दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश प्रसाद आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से महत्वपूर्ण हैं। इसमें इन एनसीईआरटी बुक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एग्ज़ाम पर्पस से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो जो भी इनवर्स के जो भी फंक्शन होते हैं सबसे पहले उसका हम प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का रेंज हो जाता है 0 से π। तो चलिए सबसे पहले हम लिख दिए कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to π। अब ये तो लिख देने के बाद अब क्या करेंगे, जिसका भी वैल्यू हमें पूछा जा रहा है उसको कुछ मान लेंगे। तो मान लिए कि कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा, इस तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 कॉस में कॉस पाई बाय 6 का मान, तो हो गया कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाय 6। इस तरह से थीटा बराबर पाई बाय 6 जो बिलोंग्स कर रहा है 0 से π के बीच। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज पाई बाय 6। इस तरह से कॉस इनवर्स रूट 3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय 6 होगा। तो चलिए फिर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट 3। तो सबसे पहले जिसका भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है उसका पहले जो उसकी रेंज की जो ब्रांच होती है वो लिख देते हैं। तो वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। वो लिख देने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अब जिसका भी वैल्यू हमें पूछा जा रहा है उसको कुछ मान लीजिए। तो मान लिए टेन इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा, इस तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू -√3। फिर हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस तो है ही और √3 10π/3 का मान होता है, तो इस तरह से हो गया ये -10θ। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कभी भी -10θ लिखा हुआ दिखाई दे तो उसको tan-θ कर देते हैं। इस तरह से tan θ इज इक्वल टू tan-π/3, सो थीटा इज इक्वल टू -π/3 जो बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच। अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -√3 इज -π/3, ये उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। चलिए फिर देखते हैं, जैसे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो वही बात है, जिसका भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए पहले उसका रेंज लिखना होता है। तो कॉस इनवर्स का रेंज हो जाता है 0 से π। उसके बाद जिसका भी वैल्यू चाहिए उसको मान लिए। तो मान लिए कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाला में माइनस तो रहने ही देना है, उसके अलावा जो है उसका मान बताइए। तो माइनस के अलावा बचा 1/√2 जो कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू हो जाता है। इस तरह से हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू -cos π/4। तो एक फार्मूला होता है -cos θ का cos π - θ। इस तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू cos π - π/4, अर्थात कॉस थीटा बराबर cos 3π/4। इस तरह से थीटा बराबर 3π/4 जो बिलोंग्स करे 0 से π के बीच। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। इस तरह से कॉस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू 3π/4 होता है। चलिए ये तो हो गया पहला का, तीन तरह का हम लोग देखे थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, तीन तरह का क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब देख रहा हूँ दूसरा प्रश्न, जो प्रश्न हो गया आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2
प्लस टू साइन इनवर्स 1/2। दोस्तों इसका यानी ये इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए इसको बनाने का दो तरीका, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू के माध्यम से एक का अलग से निकाल लीजिए, दूसरे का अलग से मान निकाल करके समीकरण एक इसको मान लो और इसमें रख देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी प्रश्न है कॉस इनवर्स, प्रश्न हो गया हमारा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस टू साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाता है प्लस टू साइन इनवर्स तक तो है ही, और 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। इस तरह से क्या हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स और इधर हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स और 2 इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर भी एक्स। तो ये 2 से ये 6 कटा 3 मरतबे, तो क्या पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। इस तरह से फिर तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। तो चलिए टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 को क्या करता हूँ, तो पहले टेन इनवर्स रूट 3 तो है ही और सेक इनवर्स माइनस एक्स एक फार्मूला हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो हो गया ये टेन इनवर्स रूट 3 का वैल्यू दे दिए 10 पाई बाई 3 और माइनस तो है ही और सेक इनवर्स माइनस एक्स के जगह पे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस तरह से टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स माने पाई बाई 3, ये माइनस अंदर गुना किए तो हो गया माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 होना चाहिए था जो सेक पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाता है, इसलिए हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। तो इसको अगर सबको ऐड करते हैं तो माइनस पाई बाई 3 हो जाता है जो हमारा इसका आंसर है। चलिए फिर आगे देखता हूँ चार नंबर जो हमारा गेस क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है वो क्या करा है कि सो दैट टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। जी हाँ, तो LHS में हो गया टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। एक फार्मूला जानते हैं हम लोग इनवर्स का, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो वही कर दिया टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, जहाँ x के जगह 1/2 और y के जगह 2/11। तो क्या आपका टेन इनवर्स 1/2 और 2/11 का लघुगणक लेते तो हो गया 22। तो इसको भिंजोर करते तो ये हो जाता है इस तरह से 11 4 15, ये 22 और 22 कट ही जाता है, 11 4 15 और 20 में 22 में से 2 गया तो 20, इस तरह से 5 3 15 5 6 20 कटा, मतलब 10 3/4 जो हमारा RHS हो जाता है, ये हमें साबित भी करना था। तो चलिए अब देखता हूँ पाँच नंबर क्वेश्चन है कि सॉल्व टेन इनवर्स कॉस एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स। तो देखो भाई क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स। टेन इनवर्स कॉस एक्स के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। तो इस तरह से हो गया साइन 90 माइनस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स को 1 माइनस और साइन के जगह कॉस 90 माइनस एक्स। इस तरह से हो गया ये ऊपर में साइन थीटा, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो गया टेन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा जो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, 1 फिर भी नीचे साइन बचा और ऊपर कॉस है। इस तरह से हो गया टेन इनवर्स कॉस बाय साइन मिलके कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पे है टेन यहाँ पे है कॉट, इस वजह से फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ इस कॉट को टेन में बदल देता हूँ, तो टेन इनवर्स कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा। इस तरह से टेन इनवर्स टेन 90 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसको अगर टेन इनवर्स टेन एक्स के फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो इसका कैलकुलेशन हो गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से चलिए छः नंबर सवाल देखते हैं। छठा कह रहा आपको कि राइट टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसे सरल करें, मतलब इसको सरलतम रूप में लिखें।
तो चलिए सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें हम लोग कॉस एक्स से अंश में भी और हर में भी भागा दे देता हूँ। तो क्या हो गया, इस तरह से टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो था ही, उसमें भी कॉस एक्स से भागा, फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है उसमें भी कॉस एक्स से भागा। अब ऐसा करता हूँ अलग अलग डिवाइड कर देता, एक बार कॉस एक्स के बटा में कॉस, फिर साइन एक्स के बटा में कॉस, तो कॉस एक्स बटा कॉस किए तो वन, साइन एक्स बटा कॉस एक्स किए तो टेन एक्स, फिर नीचे चलिए इस वाला में, फिर कॉस एक्स बटा कॉस एक्स वन और साइन बटा कॉस टेन एक्स। अगर इसमें हम एक से गुना भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए हम क्या किए इसमें एक से गुना कर दी। अब हम जानते हैं कि टेन पैंतालीस का मान वन होता है, इसलिए जहाँ वन है वहाँ पे टेन पैंतालीस रख दिया, तो हो गया टेन इनवर्स टेन पैंतालीस माइनस टेन एक्स बटा वन प्लस टेन पैंतालीस इंटू टेन एक्स, अर्थात टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, जो फार्मूला हो जाता है टेन ए माइनस बी का। इस तरह से टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, मतलब जो एंगल में वही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्या कह रहा है, राइट इतना इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको सरलतम रूप में लिखें। अब क्वेश्चन है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे एक्स के जगह पे ए टेन थीटा रख दिया, जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ पे ए टेन थीटा पुट कर दे रहा हूँ। तो क्या हो गया, थ्री ए स्क्वायर एक्स, तो टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर तक तो है ही, और एक्स के जगह पे ए टेन थीटा, एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ए क्यूब है तो ठीक है, थ्री ए तक ठीक है, और एक्स स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ ऊपर में भी ए स्क्वायर गुने ए मिल के ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब, मतलब नीचे भी ऊपर भी ए क्यूब कॉमन है, इसलिए ऊपर भी ए क्यूब कॉमन ले लिए, नीचे भी कॉमन ले लिए, तो इस तरह से ए क्यूब को काट दिए। अब जो बचा वो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, इस तरह से टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री थीटा। अब थीटा के जगह पे मान रखेंगे तो गया टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब कहिएगा कैसे होगा, तो चलिए क्या माने हुए थे हम लोग यहाँ पे, एक्स जहाँ है वहाँ पे ए टेन थीटा। अब बताओ एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो फिर टेन थीटा बराबर क्या, एक्स बाई ए, इस तरह से थीटा बराबर तो इधर जाएगा टेन, तो गया टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो इस तरह से जो सवाल था हमारा टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए इस तरह से एट नंबर सवाल को देखिए। एट नंबर क्या कह रहा है आपको कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान वन हो तो एक्स का मान क्या होगा। जी हाँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन। अब बताओ एक तरह से क्या लग रहा है कि साइन थीटा ये पूरा एंगल में है, तो साइन थीटा बराबर कुछ, इसलिए केवल थीटा बराबर मतलब एंगल में जो उतना बराबर क्या करेंगे, तो साइन को उधर देना है राइट साइड, तो क्या होगा साइन इनवर्स वन हो गया। अब हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स एक बट्टा पाँच प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स और वन के वजह से साइन पाई बाई टू। अब हो गया साइन इनवर्स एक बट्टा पाँच बराबर इसका वैल्यू पाई बाई टू और कॉस आया इधर, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो डायरेक्ट हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। यह है साइन इनवर्स एक बट्टा पाँच बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसलिए एक्स बराबर एक बट्टा पाँच। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा आपको कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स। फाइंड दी वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स, तो अब इसका वैल्यू चाहिए हमें। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, इस हिसाब से हमें सेवन पाई बाई सिक्स होना चाहिए था, लेकिन कंडीशन लगा है कि उसका मान जीरो से एक सौ अस्सी के बीच होना चाहिए। अब देख लो सेवन पाई बाई सिक्स का मान 310 हो जाता है, मतलब वो 210 हो जाता है, वो जीरो से 180 से बाहर है, इस सीमा में आता नहीं, इसलिए हम सेवन पाई बाई सिक्स नहीं दे सकते। जब हम इसका मान सेवन पाई बाई सिक्स नहीं दे सकते फिर क्या लिखेंगे, तो इसके लिए देखो भाई इसको हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हो गया कॉस इनवर्स कॉस
सात पाई को 12 पाई माइनस 5 पाई तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 12 पाई माइनस 5 पाई करते तो 7 पाई हो गया बट्टा 6 है। अब अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ तो क्या कॉस इनवर्स कॉस 12 पाई बट्टा 6 और माइनस 5 पाई बाई 6 तो 6 टू जा 12 12 कट गया तो क्या 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। इस तरह से कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा तो क्या कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसलिए थीटा एंगल में जो भी है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि साबित कीजिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 का मान कॉस इनवर्स 84/85 होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप सीख जाइए कि अगर LHS में जो भी है अगर दोनों साइन में है तो रिजल्ट भी साइन में आएगा, दोनों कॉस में है तो रिजल्ट भी कॉस में आएगा, हाँ या नहीं। तो अगर ये दोनों साइन में है तो आप एंगल निकालो आएगा साइन में, जबकि हमें तो चाहिए कॉस में, तो फिर क्या करेंगे उसको साइन से कॉस में बदल देना होता है। तो देखिए इस तरह से LHS में हो गया आपका साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। अब एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हो गया साइन इनवर्स 3/5 और ये अंडर रूट का वैल्यू निकालते तो 15/17 माइनस 8/17 और इसका वैल्यू होगा रूट वाला का मान 4/5। इस तरह से अगर भिन्न घटाव करते तो 15/45/85 और 32/85 घटाने के बाद हो गया साइन इनवर्स 13/85। ये तो आया साइन के टर्म में जबकि हमें तो लाना है कॉस के टर्म में, तो क्या किए इस साइन को कॉस में बदल दिए। तो कैसे बदलेंगे तो जिसको बदलना है उसको थीटा मान लिए, तो साइन इनवर्स 13/85 बराबर थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर 13/85। अब साइन थीटा है और कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान रखे इसलिए कॉस थीटा बराबर हो गया 84/85। इस तरह थीटा बराबर कॉस इनवर्स 84/85। तो हम साइन इनवर्स 13/85 को थीटा माना था और थीटा का मान आया कॉस इनवर्स इतना, मतलब साइन इनवर्स 13/85 के जगह कॉस इनवर्स 84/85 हम लिख सकते हैं। इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 10 प्रश्नों को हम लोग सीख गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपको कि प्रूव दैट टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 का मान 5/4 साबित करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा LHS में देखिए क्या सब है। तो LHS में चार टर्म है, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। जी हाँ दोस्तों, तो हम क्या करें दो एक साथ दुगो को एक साथ मैंने दो गो को जोड़ी लगा दिया तो क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इधर भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, इधर भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, दोनों अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स वाई। फिर इधर भी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा वन प्लस एक्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व किए और इसको भी सॉल्व किए, इस तरह से हो गया टेन इनवर्स 12/34 और टेन इनवर्स 11/23। घटाओ किए तो हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स इंटू वाई। इस तरह से टेन इनवर्स एक्स माइन प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अगर वीन जोर करते हो तो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो बिंजर करते हैं तो हो गया लघुत्तम हो गया 282 हो गया 276 प्लस 374 बटा 782 माइनस 132। तो घटाओ के तो हो गया टेन इनवर्स 650 बटा 650 कट के वन, मतलब टेन इनवर्स वन, वन का मान होता है 10/4। इस तरह से टेन इनवर्स 10/4 बराबर 5/4 जो हमारा आंसर हो। ठीक है इस तरह से चलिए हम फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है कि प्रूव दैट टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स
बट्टा रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स का मान पाई बाय फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो एल एच एस में चले तो क्या टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स बट्टा वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स। इसमें जहाँ भी एक्स दिख रहा है उसके जगह पे कॉस टू थीटा रख दिए, जहाँ एक्स है वहाँ पे कॉस टू थीटा। तो चलिए रूट के अंदर हो गया वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस रूट अंडर वन माइनस कॉस टू थीटा बट्टा रूट अंडर वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस रूट अंडर वन माइनस कॉस टू थीटा। तो टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस कॉस टू थीटा का हो जाता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट के अंदर में टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टा टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट के अंदर में टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर उसको रूट से बाहर करते तो क्या टेन इनवर्स रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा बट्टा रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा। अब क्या करो, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ रूट टू कॉस थीटा से, डिवाइडिंग बाय रूट टू कॉस थीटा इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर में रूट टू कॉस थीटा से भागा कर दे रहा हूँ हम। तो क्या हो गया, इधर ऊपर वाला में भी रूट टू कॉस थीटा से भागा और नीचे वाला में भी रूट टू कॉस थीटा से भागा, अलग अलग बट्टा किए तो रूट टू कॉस थीटा बट्टा रूट टू कॉस थीटा कट के वन माइनस रूट टू कॉस थीटा बट्टा रूट टू कॉस थीटा कट के टेन थीटा फिर वन प्लस टेन थीटा। अगर इसमें वन से गुना भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होता, इस तरह से टेन ए अब वन के जगह टेन पैंतालीस तो गया टेन ए माइनस टेन बी बट्टा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी अर्थात टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा हो गया। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स मतलब पाई बाई फोर माइनस थीटा पाई बाई फोर माइनस थीटा की जगह वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरह से 12 को क्वेश्चन हम लोग देख लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 9 पाई बट्टा 8 माइनस 9 बट्टा 4 साइन इनवर्स 1 बट्टा 3 का मान 9 बट्टा 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 होगा। अब चलो भाई LHS में क्या हो गया, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बट्टा 3। अब 9 बट्टा 4 जहाँ जहाँ है वहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या 9 बाई 4 बाहर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बट्टा 3 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बट्टा 3 को कॉस इनवर्स 1 बट्टा 3 लिख सकते हैं। ये तो क्या 9 बाई 4 कॉस इनवर्स 1 बट्टा 3 जबकि आंसर चाहिए साइन के टर्म में, इसलिए क्या करेंगे इस कॉस इनवर्स 1 बट्टा 3 को बदल देंगे थीटा के रूप में, वहाँ से साइन थीटा का मान निकालते हैं तो हो गया इस तरह से साइन थीटा बराबर 2√2 बट्टा 3। इसीलिए 9 बट्टा 4 कॉस इनवर्स 1 बट्टा 3 को 9 बट्टा 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3 लिख सकते हैं जो हमारा आंसर हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे आपको कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताइए अगर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 हो। चलिए सबसे पहले साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। हम ये जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स जो होगा कॉस इनवर्स वही होगा तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। पुट कर दे रहा हूँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे साइन थीटा, तो क्या हो गया माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, इसलिए माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह साइन थीटा माइनस बराबर कॉस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। तो यस माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। तो हो गया ये कॉस अगर उधर गया तो हो गया कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा तो हो गया कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ये तो एक तरह से लग रहा है ना, अगर सबको एक तरफ लेके चलें तो क्या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस 1 प्लस साइन थीटा बराबर 0। अब माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो क्या माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 0। इस तरह से साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। हम जो पुट किए थे वहाँ पे एक्स के जगह पे साइन थीटा, क्या पुट किया था एक्स के जगह पे साइन थीटा,
इस तरह से क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पे साइन थीटा रख दीजिए, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे साइन थीटा यहाँ भी रखें, और हो गया फिर यानी तो एक्स बराबर जीरो, यानी तो वन माइनस टू एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर वन बाई टू, अतः एक्स का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए इस तरह से अब जो आखिरी प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, यानी फाइंड दी वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई, कह रहे फाइंड दी वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स बट्टा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। ये लग रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो होता क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो क्या टेन इनवर्स मीन घटाओ करते तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई लघुत्तम, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर नीचा में y इंटू एक्स प्लस वाई हो गया माइनस में इतना। अब दोनों का एलसीएम कटेगा, अब ऊपर को ऊपर के साथ गुना कर दिए, नीचे को नीचे के साथ, हो गया टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो भाई एक्स वाई कैंसिल, नीचे ऊपर दोनों जगह, तो क्या टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका विंजर करने के बाद वन प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उन सभी प्रश्नों को देख लिए जो एग्ज़ाम के पर्पज से अच्छा था, जो बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे, हम इसी सब तरह के आपके उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे, उस वीडियो का अपडेट्स करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए।